अब ये दिन भी देखना था। हे भगवान, इस घोर कलयुग से हम सबकी रक्षा करो। दोस्तों, ये दिल्ली मेट्रो ट्रेन की सीन है। लड़का क्या कर रहा है, एक हाथ से मोबाइल में पोर्न देख रहा है और दूसरे हाथ से मास्टरबेशन कर रहा है। लोगों के बीच में कैसी मानसिक विकृति है, कुछ और साल रुक जाओ, ऐसी मानसिक विकृतियां हर कहीं पब्लिक प्लेसेस में देखने को मिलेगी और लोगों को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बारे में बोलने से पहले मैं दो बात बोलना चाहता हूं। जो इस वीडियो को बना रहा है या जो लोग हंस रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ भी आवाज नहीं उठा रहे हैं, उनकी गलती की वजह से ऐसी मानसिक विकृतियों को बढ़ावा मिलता है। दूसरा कारण मैं बहुत बार बता चुका हूं, जब अत्यधिक अश्लीलता का प्रचार होता है, उसको बढ़ावा देते हैं, उसको लोग देखते हैं, तो उसका कद बढ़ जाता है और उसका साइड इफेक्ट पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। अगर समाज में कोई सभ्यता ही नहीं रहेगी तो ऐसी मानसिक विकृतियां पैदा होगी और समाज के लोगों को ही भुगतना पड़ेगा और उसके लिए समाज के लोग ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं। अब सुनिए इस बंदे को प्रॉब्लम क्या है। मैं दिखाना नहीं चाह रहा था ये वीडियो, लेकिन मुझे दिखाना पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो में एक मैसेज है। जब कोई अत्यधिक सेक्स एडिक्ट हो जाता है या अत्यधिक ब्रह्मचर्य का नाश करता है, अश्लीलता में जीता है, अश्लील वीडियो देखता है, तो उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन का अगला हिस्सा जिसको इंटेलेक्चुअल ब्रेन बोलते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सूझबूझ खत्म हो जाती है, निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है, बुद्धि शक्ति खत्म हो जाती है। उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि मैं कहां पर हूं और क्या कर रहा हूं। दूसरा कारण, सही एजुकेशन बचपन से मिलता नहीं है, सही संस्कार हमें मिलता नहीं है। तीसरी बात, इसको बोलते हैं क्लूवर ब्यूसी सिंड्रोम। ये एक दिमाग का ऐसा सिंड्रोम है जो हो जाए तो व्यक्ति शर्म नहीं करता है, उसको शर्म नहीं आती है। रिसेंटली दिल्ली मेट्रो में एक और सीन देखने को मिली थी, सीन नहीं, रियल सीन। एक लड़की बिकनी में सफर कर रही थी, उसको शर्म ही नहीं है, उल्टा लोगों का डबल ओपिनियन आने लगता है कि यूरोप में हो सकता है, विदेशों में हो सकता है, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता है, सब कुछ ओपन हो जाना चाहिए। अगर सब कुछ ओपन हो जाएगा तो मानसिक विकृतियों का सामना सबको करना पड़ेगा। कुछ लोग तो मानसिक विकृत होकर घूमेंगे, उनको तो शर्म नहीं आएगी, उनको कुछ भी सभ्यता दिखाई नहीं देती है, वो तो नेगेटिवली रिप्रोग्राम हो चुके हैं, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट सभ्य समाज को सबसे ज्यादा होगा। एक और कारण है, हमारे ब्रेन में एक छोटा सा हिस्सा है, उसको बोलते हैं अमिगडाला, वो भी करप्टेड हो जाता है, उसके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज्यादा जम जाती है, व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और रिपीटेडली वही करता रहता है, कहीं भी कर सकता है, वो अपनी माँ बहन को भी बुरी नजर से देख सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, मैं पिछले 5 साल से एक ही बात कहता आ रहा हूं, जो लोग मंथनअप का वीडियो देखते हैं वो ऐसी हरकत कभी नहीं करते हैं। ओपनली तो करने का सवाल पैदा नहीं होता है, वो लोग अकेले में भी नहीं करते हैं। लाखों यूथ इस लत से बच चुके हैं, पोर्न एडिक्शन से, मास्टरबेशन एडिक्शन से बच चुके हैं। और स्पिरिचुअली सबसे इंटरेस्टिंग बात है, स्पिरिचुअली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं ब्रेन रिवायर के माध्यम से। इसलिए मैं सबको कहता हूं कि बिना संकोच किए ज्यादा से ज्यादा आप मंथनअप की वीडियो को स्प्रेड कीजिए और ऐसी विकृतियों से समाज को बचाइए। सबसे लास्ट में कहना चाहता हूं, बहुत ही खुशखबरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कुछ ओपिनियन, कुछ सजेशन मांगा गया है कि स्कूल सिलेबस में क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप सब ईमेल कीजिए, सारा डिटेल्स मैंने आपको दिया है, डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी दिया है, आप लोग ईमेल कीजिए, सजेस्ट कीजिए कि स्कूल सिलेबस में ब्रह्मचर्य एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन होना अनिवार्य है। अगर बचपन से ही संस्कार मिलेगा, ब्रह्मचर्य का महत्व समझ में आएगा, तो बड़े होकर के ऐसे नमूने पैदा ही नहीं हो सकते, बल्कि सुपर ह्यूमन क्वालिटीज लेकर के पैदा होंगे। सबसे पहले तो अपने चरित्र को मजबूत बनाएंगे, फिर समाज को उन्नत बनाएंगे, फिर देश को उन्नत बनाएंगे, फिर और क्या चाहिए, देश को उन पर गर्व होगा। क्या आप वो दिन देखना चाहते हैं, तो बिना संकोच किए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को जो ईमेल दिया गया है, उस ईमेल पर अपना ओपिनियन देते हुए बढ़िया ईमेल कीजिए और सजेस्ट कीजिए
कि ब्रह्मचर्य एजुकेशन कितना अनिवार्य है। इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है, बहुत ही सोचने वाली वीडियो है कि एक नौजवान सुसाइड कर लेता है, एक नहीं लाखों नौजवान सुसाइड कर रहे हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से, और उसका कारण क्या है, ये कारण है क्लूवर यूसी सिंड्रोम, एक्सेसिव डिप्रेशन, कुछ भी कहो, समाज सब कुछ समझते हुए भी ना समझ बना बैठा है। अगर वो कहानी आप सुन लोगे तो हिल जाओगे। तब तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।